है। नमस्कार, आज पुनः संडे संवाद में आप सबों से मुखातिब हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुनः कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जो सरकार का दिशा निर्देश जारी हो रहा है, उस दिशा निर्देश को हम लोग पालन करें। पालन नहीं करने से आप देख रहे हैं कि पहले की भांति कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे संतोषप्रद बात यह है कि रिकवरी रेट अभी भी लगभग 71% है, लेकिन हमको रिकवरी रेट तो बढ़ाना ही है। हम सबों को मिलकर इस महामारी को फैलने से रोकना है। और पुनः जो आप कई जिलों में देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, ये केवल वार्निंग है कि हम अगर सचेत नहीं रहे तो यह बीमारी पर जो हम लोग मिलकर के काबू पाए हैं, पुनः इस बीमारी के प्रकोप में हम लोग आ सकते हैं। इसलिए आप तमाम बंधुओं से, खासकर जो सजग लोग हैं, आप सबों की बातों को काफ़ी लोग सुनते हैं और आप तमाम बिंदुओं पर सही सलाह सरकार को, सरकारी कर्मियों को और अन्य सभी लोग जो इसमें लगे हुए हैं उनको आप सदैव देते रहते हैं। आपका जो भी कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम अपने तरीके से शांतिपूर्वक उसको निपटाइए। यदि सरकार का कहना है बार बार कि यदि जरूर आवश्यक न हो तो हम घरों से बाहर न जाएं, और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार अनुरोध करने का काम किया है कि जो 10 साल के नीचे हैं और 65 वर्ष से ऊपर हैं, वैसे लोगों पर खास नज़र रखी जानी चाहिए ताकि उन लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचाया जा सके। और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है। हम लोग जैसा कि जानते हैं, इधर 1-8 सप्ताह में महामारी का जो खतरा है थोड़ा सा बिहार के कई क्षेत्रों में बढ़ा है, और आप सब तमाम लोग के सजग प्रयास से जो पहले लॉकडाउन के अवधि में आप सबों का जो सहयोग समर्थन मिला, उस सहयोग समर्थन के कारण हम तमाम लोग उसको रोकने में सफल रहे। सरकार इस महामारी को रोकने के साथ साथ आपका दिनचर्या, आपके विकास का काम कैसे बेहतर हो इसके लिए भी काम कर रही है, और आप उसमें सदैव सरकार के साथ रहे हैं, साथ रहते आए हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि कुछ समय बाद, 2-3 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी प्रक्रियाधीन है। चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। कुछ लोग आप जानते हैं कि जो जनता के बीच में कभी भी जनता के लिए काम नहीं किए, वैसे लोग जनता में जाने के स्थिति में नहीं है, और जनता में जाने की स्थिति में नहीं है तो उनको लगता है कि हम जनता के पास जाने की स्थिति में नहीं है, और अगर चुनाव हुआ तो परिणाम मेरे विपरीत जाएगा। इसके चलते वे काफ़ी शोर मचा रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकार ने जो भी कार्य किया है बिहार वासियों के हित में, उस कार्य को वे सिरे से नकार रहे हैं। लगता है कि बिहार के अंदर जो विकास के काम हुए उनके नज़रों में नहीं है।
अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह के सही बात को भी स्वीकार करने के तैयार नहीं हो, तो वह जनता के लिए भलाई का क्या काम कर सकता है। जनता के लिए भलाई का काम वही कर सकता है जो विकास कार्यों पर सतत निगरानी रखता है। बहुत से कार्य हुए हैं और बहुत से कार्य होना बाकी भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अब कोई काम बाकी नहीं है। बहुत से काम, चूंकि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, और जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो हम उसको पूर्ण करने के लिए अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से, अपने सरकार के तरफ से उसमें प्रयास करते हैं। सरकार बराबर सतत प्रयत्नशील रहती है कि कैसे हम अपने बिहार वासियों के हितों की रक्षा करें, कैसे उनको बेहतर सड़क सुविधा मिले, कैसे बिजली की सुविधा मिले, कैसे सिंचाई की सुविधा मिले, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा कैसे मिले। सरकार इन बातों में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इन बातों में प्रयत्नशील रहते हैं। देश की भी सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी